नमस्ते सत श्रीकाल। मैं आपका अपना बेनीवाल स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। तो वैसे आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि विजन वापस जिंदा क्यों नहीं हुआ एंड गेम में आफ्टर द हल्क स्नैप। तो ये तो मैं समझ ही सकता हूँ कि आपने इस वीडियो पर तभी क्लिक किया जब आप जानना चाहते हैं कि विजन जिंदा क्यों नहीं हुआ। तो टॉपिक से बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे 60 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके और गाइस मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि आपने मेरे 60 सब्सक्राइबर कराए। लव यू गाइस, जो आपने सपोर्ट दिखाया है। मैं जानता हूँ कि वैसे मेरे लिए ये सब्सक्राइबर काउंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अदर यूट्यूबर से कंपेयर करें तो ये बहुत छोटा भी है। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज के मेरे 60 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो गाइस अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज इससे पहले हम ये देखें कि विजन जिंदा क्यों नहीं हुआ था, इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि विजन मरा कैसे था। तो भाई विजन की डेथ तब हुई थी जब थैनोस ने उसके सर से माइंड स्टोन निकाला था। और ये मानने की बात है कि थैनोस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, जिसने वाइब्रेनियम को अपनी तीन उंगलियों से फोड़ दिया था विजन के सर से माइंड स्टोन निकालने के लिए। तो भाई जब हमने ये तो देख लिया कि विजन की डेथ कैसे हुई थी, तो अब हम ये देखते हैं कि विजन वापस आखिर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया हमारा लाल कलर का रोबोट जो इंसानों की तरह सोच सकता था। तो बस ये देखने से पहले कि विजन मारा कैसे था, इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पूरे अभी तक एमसीओ में कितनी बार स्नैप हो चुका है। तो अभी तक एमसीओ में 4 बार स्नैप हुआ। एक बार जब थैनोस ने आधी यूनिवर्स के लोगों को मिटा दिया था, दूसरी बार जब थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन को ही बस्ट कर दिया था इन्फिनिटी स्टोन के पावर से, और तीसरी बार जब हल्क ने स्नैप किया था, और चौथी बार जब हमारे टोनी स्टार्क ने स्नैप किया था। तो देखो जो हल्क की स्नैप थी वो थी कि जो आधे लोग थे ना उसने मिटाए थे इन्फिनिटी वॉर में, उनको वापस लाने की। और ये मैं आपको बता दूं कि विजन उन आधे लोगों में शामिल नहीं था, क्योंकि उसने विजन और लोकी को सेपरेटली मारा था। तो जब हल्क ने स्नैप किया तो हल्क सिर्फ यही चाहता था कि जो आधे लोग मरे थे थैनोस के स्नैप के बाद वो लोग वापस आ जाएं। लेकिन उस टाइम उसने विजन को और लोकी को नहीं सोचा था, इस वजह से वो लोग नहीं आए। इसी वजह से विजन वापस नहीं आ पाया हमारे एंड गेम में। और जब टोनी स्टार्क ने स्नैप किया था तब उसने सिर्फ ये सोच के स्नैप किया था कि थैनोस और उसकी पूरी चित्तौरी आर्मी वो सब लोग डस्ट बन के गायब हो जाएं। तो जब अभी तक जितनी बार भी स्नैप हुआ है किसी ने भी ये नहीं चाहा कि विजन वापस जिंदा हो जाए, और इसी कारण की वजह से हमारा विजन जिंदा नहीं हो पाया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चांसेस हैं कि आगे विजन जिंदा हो पाएगा। तो गाइस देखो, पहला चांसेस तो ये है कि जो शूरी है ब्लैक पैंथर की बहन, वो शायद कोई पावर सोर्स बनाए, जैसे हमारा टोनी स्टार्क के पास आर्क रिएक्टर था, वो विजन के अंदर वो फिट हो। लेकिन मैं आपको इसका एक डिसएडवांटेज बता दूं कि विजन, अगर हम विजन को दोबारा बना भी लेते हैं, हम कह रहा हूँ मतलब अगर शूरी दोबारा विजन को ज़िंदा कर भी लेती है, तो वो विजन नहीं होगा, वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन के रह जाएगा। वो जैसे विजन पहले इंसानों की तरह सोच पाता था, वो अब वैसा नहीं सोच पाएगा। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि जो माइंड स्टोन था वो विजन को पावर सोर्स के साथ फीलिंग भी प्रोवाइड कराता था, लेकिन अब जब माइंड स्टोन ही नहीं है तो जो वो पावर का सोर्स बनाएगी शूरी, वो सिर्फ उसे पावर प्रोवाइड कराएगा। इसी कारण कि अगर विजन दोबारा आता भी है तो विजन की तरह नहीं सोच पाएगा, विजन की तरह दोबारा वांडा से वैसे प्यार नहीं कर पाएगा। और गाइस यही सेम रीज़न था कि हमारा लोकी भी दोबारा ज़िंदा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसने लोकी और विजन को सेपरेटली मारा था, तो इस वजह से वो वापस नहीं आ पाए। और जब जितने भी लोगों ने अभी तक स्नैप किया, जैसे हल्क और आयरन मैन, इन्होंने सिर्फ देखो पता है ये काम कैसे करते हैं कि जब हम स्नैप कर रहे हैं तो हमें किसी एक चीज़ के बारे में सोचना होगा और वो हो जाएगी। थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में सोचा था कि वो आधी जनता मिटा देगा, तो आधी जनता मिट गई। इतने सोचे कि जितने भी आधे लोग थैनोस ने मिटाए थे सिर्फ वही आ जाएं। उस टाइम हल्क के दिमाग में ये चल रहा था कि सिर्फ उन आधे लोगों को किसी न किसी तरीके से लाना है, तो उन आधे लोगों में विजन और लोकी शामिल नहीं थे। यही कारण है कि लोकी और विजन वापस नहीं आ पाए। तो गाइस बस यही थी एक छोटी सी वीडियो बताने के लिए कि विजन भाई साहब हमारे जिंदा क्यों नहीं हो पाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो यार कर ही देना। अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। अभी हमारा रोड टू 100 सब्सक्राइबर चल रहा है, उम्मीद है कि जल्दी से आप पूरा करवा दोगे। तो यार बस बाय बाय, सायोनारा।